हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप कोई सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं और आप 13,000 की रेंज में लेना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक रेंज के अंदर तो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ, साथ में इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी कंपेयर देन अलग ब्रांड। दोस्तों, तो आज मैं आपको ब्रांडेड रेफ्रिजरेटर लेके आया हूँ, जो कि सिंगल डोर के अंदर ये रेफ्रिजरेटर रहेगा, जिसकी लुकिंग काफी अच्छी मिल जाएगी और इसके अंदर आपको फीचर्स भी काफी एडवांस मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वोल्टास बैको कंपनी का सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर, जो कि टाटा का प्रोडक्ट रहेगा। दोस्तों, इसमें हम देखते हैं इसका कलर, तो कलर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, फूल पत्ती डिज़ाइन के अंदर रहेगा, लुकिंग बहुत ही अच्छी मिल जाएगी इसके अंदर। इसका हम डोर देखते हैं तो आपको कर्व डिज़ाइन के अंदर मिल जाएगा, आप ऊपर से देखेंगे तो कर्व डिज़ाइन के अंदर मिल जाएगा, और जो इसका हैंडल रहेगा वो दोस्तों आपको पॉकेट हैंडल मिल जाएगा ऊपर की साइड आप देखने के लिए। आपको ये रहेगा वोल्टास बैको कंपनी का। बात करते हैं हम इसमें स्टार रेटिंग की, तो हमें मिल जाता है सिंगल स्टार रेटिंग के अंदर। दोस्तों, ये वाला रेफ्रिजरेटर सिंगल स्टार होने के बाद भी आपकी 202 यूनिट कंज्यूम करेगा पूरी एक साल के अंदर। बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की, तो ये जो आ जाएगा RDC208E, ये इसका पूरा मॉडल नंबर रहेगा, और ये 2023 का नया वाला मॉडल रहेगा। बात करते हैं इसमें लीटर कैपेसिटी की, तो ये जो इस रेफ्रिजरेटर रहेगा ये आपको 175 लीटर का रेफ्रिजरेटर मिलेगा। जैसे कि ये वाला रेफ्रिजरेटर जो है 2023 का मॉडल, तो इसके अंदर आपको एक QR कोड भी मिल जाएगा, आप अपने फ़ोन से स्कैन करके इस रेफ्रिजरेटर के बारे में आप सारी की सारी आप जानकारी ले सकते हैं। साथ में हम देखते हैं तो टाटा इंडिया का प्रोडक्ट है, तो सारा का सारा आपको मटेरियल मेड इन इंडिया मिलेगा दोस्तों। और इसकी जो वारंटी रहेगी कंप्रेसर की, वो रहेगी 10 साल की वारंटी। इसका जो कंप्रेसर रहेगा उस पर आपको 10 साल की वारंटी मिलेगी। और ये रेफ्रिजरेटर इन केस ऑफ पावर कट, कभी हमारी पावर चली भी जाती है, यानी कि लाइट कभी चली भी जाती है, तो ऑटोमेटिक ये वाला जो रेफ्रिजरेटर रहेगा आपके होम इन्वर्टर पर कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद में बहुत ही कम लाइट कंज्यूम करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वारंटी रहेगी दोस्तों अदर रेफ्रिजरेटर, इसमें आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी। अदर में आप किसी भी कंपनी का कोई भी रेफ्रिजरेटर देखते हैं तो आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको मिल जाएगी 2 साल की कंप्लीट वारंटी और 10 साल की मिलेगी इसमें आपको इसके कंप्रेसर की वारंटी। जैसे कि मैंने आपको डिज़ाइन बताया, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रहेगा इसके अंदर, चमकदार रेफ्रिजरेटर रहेगा इसके अंदर। आप देखेंगे तो चमकदार रेफ्रिजरेटर है, साइड से आप इसका डोर भी देखेंगे तो एकदम स्थेटिक एकदम डिज़ाइन रहेगा इसके डोर का, यानी बिल्कुल स्लिम डोर रहेगा इसके अंदर। साथ में हम देखते हैं तो इसमें आपको डोर लॉक भी मिल जाएगा, जो कि सामने की तरफ रहेगा, जो कि लुकिंग बहुत ही बढ़िया कर रहा है इस वाले रेफ्रिजरेटर की। आप देखेंगे इसका लुक, तो लुक बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा इसके अंदर। साथ में हम देखते हैं दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर की इनसाइड लुकिंग, तो चलिए इसके हम कर देते हैं इनसाइड लुक। तो ये आ जाएगा इसका अंदर का स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छा लुकिंग वाइज भी लग रहा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा किया हुआ है सिंगल डोर के रेफ्रिजरेटर का। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट की, तो फ्रीजर कंपार्टमेंट में भी स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। जैसे कि 175 kg का रेफ्रिजरेटर है, तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से किया है, एक छोटी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा ही रेफ्रिजरेटर रहेगा, यानी कि अगर हमारी फैमिली 3 से 4 मेंबर की है तो उनके लिए सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर, या फिर आप सिंगल भी रहते हैं तो उनके लिए रेफ्रिजरेटर बहुत ही परफेक्ट रहेगा वाला। इसके अंदर हम देखते हैं इसका फ्रीजर कंपार्टमेंट, तो स्पेस काफी अच्छा मिल जाएगा, और इसी के अंदर आपको मिल जाएगी हमारी एक आइस ट्रे, ये मिल जाएगी आइस ट्रे, जो कि काफी बड़ी बड़ी आइस क्यूब के साथ में रहेगा। कंपार्टमेंट बहुत ही बड़े साइज के अंदर है, काफी अच्छी ढेर सारी इसके अंदर आप आइस जमा सकते हैं। साथ में हम देखते हैं तो इसी के अंदर आपको डिफ्रॉस्टिंग मिल जाएगा, आपके रेफ्रिजरेटर में जैसे कि सिंगल डोर के अंदर हम देखते हैं तो चारों तरफ ना बर्फ जम जाती है, तो डिफ्रॉस्ट करना होता है तो डिफ्रॉस्ट का बटन ये मिल जाएगा। डिफ्रॉस्ट हम करेंगे तो जितनी भी आइस चारों तरफ जमी होगी मेल्ट होगी, ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट हो जाएगी। इसके अंदर ये आ जाता है हमारा टेम्परेचर सेलेक्ट कंट्रोलर, तो आप टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें देखा हुआ भी कौन से सीजन में आपको कितने टेम्परेचर पर आप रखना चाहिए, और आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे यूज़ भी कर सकते हैं। साथ में इसी में आपको LED लाइट मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ब्राइट LED रहेगी, जो कि नाइट के टाइम में जब हम ओपन करते हैं तो पूरे कंपार्टमेंट के अंदर आपको लाइट ही लाइट मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं चिलर जोन, ये आ जाता है चिलर जोन, इसके अंदर आप जैसे कि चॉकलेट है, दूध है, दही है, ब्रेड है, आप इजीली इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, साथ में और छोटे छोटे आइटम और भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको टफन ग्लास सेल्फ मिल जाएंगी, ये 2 टफन ग्लास सेल्फ मिल जाएंगी, जो कि हैवी वेट टेस्टेड होती है, यानी कि 150 kg तक आप वेट इसके ऊपर रखेंगे तो ये डैमेज नहीं होगी,
ये टफंड होती है, ये टूटता नहीं है, टफंड ग्लास होता है, टूटता भी नहीं है, और ये एडजस्टेबल सेल्फ के अंदर रहेगा। एडजस्टेबल सेल्फ का बेनिफिट ये होता है कि कभी हमारे बड़े बाउल होते हैं या दूध के बड़े बाउल होते हैं या हम जार वगैरह कुछ भी इसके अंदर रखेंगे तो आप इसे एडजस्ट करके ऊपर नीचे आप करेंगे तो ईजिली आपका बड़ा सामान ईजी इसके अंदर ईजिली आपका आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तो इसका वेजिटेबल बॉक्स, वेजिटेबल बॉक्स में भी स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और सबसे अच्छा आप इसके अंदर देखेंगे तो इसका जो ऊपर वाला कवर रहेगा वो भी कंपनी ने अब की बार टफंड ग्लास दे दिया है। पहले जैसे प्लास्टिक का आता था तो टूटने की कई सारी कंप्लेंट्स आती थी कस्टमर्स की, तो वो प्रॉब्लम इस वाले रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको बिल्कुल भी देखने के लिए मिले, क्योंकि इसका जो कवर रहेगा वो भी टफंड ग्लास रख दिया है। तो आप एज अ सेल्फ भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी भारी सामान भी इसके अंदर आप रख सकते हैं। साथ में इसमें आपको यहाँ पर भी कंट्रोलर मिल जाएगा, आप यहाँ पर भी कंट्रोलर मिल जाएगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर। जैसे कि इसके अंदर हम हरी सब्जी रख रहे हैं तो हरी सब्जी का मॉइस्चर क्रिएट करती हैं तो ह्यूमिडिटी कंट्रोलर भी मिल जाएगा। जब हम सब्जी रख रहे हैं तो आप इसे इधर की तरफ घुमा दो, जो फल फ्रूट वगैरह रख रहे हैं तो इधर को आप कर दो इसको, तो ये मॉइस्चर कंट्रोलर मिल जाएगा इसके अंदर। इसी के अंदर हम देखते हैं तो हमें इसका मैनुअल मिल जाएगा, इसी में आपको लॉक की चाबी भी मिल जाएगी नीचे की तरफ ही आपको दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डोर के स्पेस की, तो डोर में स्पेस काफ़ी अच्छा बेटर मिल जाएगा, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा किया हुआ है इसका। तो यहाँ आप छोटे छोटे बाउल है कुछ भी आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ छोटे छोटे आइटम आप रख सकते हैं इजीली। इसके अंदर दो सेल्फ ये मिल जाएंगे, एक सेल्फ आपको ये मिलने वाली है। इसी के नीचे आप देखेंगे तो दो प्लास्टिक की आपको दो सेल्फ और मिल जाएंगी एरिया यहाँ। इसका बेनिफिट काफ़ी अच्छा आपको जो मिलेगा गर्मियों के सीज़न में अच्छा मिलता है, क्योंकि गर्मियों में हमें ठंडे पानी की बॉटलों की ज़रूरत होती है, तो आप इजीली इसके अंदर दो ढाई लीटर की यहाँ भी बॉटल स्टोर कर सकते हैं और एक लीटर की आपकी तीन से चार की यहाँ पर बॉटल आ जाएंगी। और दोस्तों ये वाले सेल्फ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं थ्री स्टेप, ये जो छोटी छोटी सेल्फ हैं आप इन्हें यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा एडजस्टमेंट दिया हुआ इस वाले रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो इस वाले रेफ्रिजरेटर के अंदर आप देखेंगे तो स्पेस आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, अच्छे से आप यूटिलाइज इस वाले रेफ्रिजरेटर को आप कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। नॉर्मल फैमिली के लिए ये वाला रेफ्रिजरेटर एकदम सफिशिएंट रहेगा। इस बात करते हैं इसके अंदर और भी फीचर की, तो इसके अंदर जो हाईलाइट फीचर रहेगा, इसके अंदर जो ये रबर देख ले रहे हैं आप डोर के अंदर, ये रहती है एंटी बैक्टीरियल गैसकेट की बनी हुई रहती है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ होती है वो यहीं से होती है। और कंपनी ने क्या काम किया हुआ है, इसके अंदर जितनी भी ये लगी हुई है इसमें रबर, ये इसके अंदर केमिकल मिक्स किया हुआ है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है साथ में। इसके बाद हम देखते हैं इसकी साइड से, तो रेफ्रिजरेटर के हम साइड से देखते हैं तो ये कोटिंग करी हुई है इसके ऊपर, लेदर फिनिशिंग दी हुई है। इसका बेनिफिट होता है कि रेफ्रिजरेटर हीटिंग बहुत कम करेगा ये वाला, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग दी हुई है लेदर की फिनिशिंग दी हुई है तो हीटिंग भी बहुत कम करेगा। जैसे बहुत सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि रेफ्रिजरेटर हीट कर रहा है साइड से, तो इसके अंदर आपको परेशानी बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये आ जाएगा वोल्टास कंपनी का 175 लीटर का रेफ्रिजरेटर, जिसका कलर भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, प्रिंटेड के साथ में रहेगा। बात करते हैं शानदार प्रोडक्ट की प्राइस की, तो दोस्तों ये वाला आ जाएगा 12,999 रुपये का रेफ्रिजरेटर, जो कि 175 का रहेगा। वारंटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इसके अंदर। बात करें हमने फीचर्स की, तो फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे इसके अंदर। तो अगर आप कोई सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं जो कि 13,000 की रेंज में आप देख रहे हैं, तो ये वाला रेफ्रिजरेटर बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। इसके अंदर आपको और भी कलर पैटर्न मिल जाएंगे, इसमें ब्लू कलर भी मिल जाएगा और एक ग्रे कलर आ जाएगा, जो ग्रे वाला कलर आएगा वो इससे भी कम प्राइस के अंदर आ जाएगा। साथ में इस वाले रेफ्रिजरेटर के आप EMI भी करा सकते हैं, एज ए क्रेडिट कार्ड से आप परचेज कर सकते हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट फ्री EMI भी आप करा सकते हैं 3 मंथ 6 मंथ। बाकी जो हमारा स्टोर रहेगा ईस्ट दिल्ली के अंदर, हमारा स्टोर रहेगा मिरवर फेस 3 दिल्ली में, आप हमारे स्टोर से भी इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। और भी ढेर सारे रेफ्रिजरेटर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे दोस्तों, आप इनमें भी कोई भी बाय करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट की रेंज काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको, तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा जिसकी वारंटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप सिंगल डोर में देख रहे हैं तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। सो अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया हो या इसके अलावा भी कोई आपको लेना हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अप्लायंस से जुड़ी जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।